हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज का ब्लॉग हमारा रहने वाला है, जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे ज़्यादा बोला गया था, मेकअप का दिखाओ। तो मैं पहले बोल देती हूँ, मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद भी नहीं है वो। हाँ, शादी फंक्शन में जो करवाती हूँ वो अलग बात है, बट ऐसे जैसे जनरली रील्स बनाने के लिए या ऐसे वो मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मुझे आता भी नहीं है ज़्यादा और ना ही मैं करती हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ वन बाई वन जो मेरे पास अवेलेबल है अभी। तो वो क्या है, अब आपको सबसे पहले पता है कि प्राइमर यूज़ करते हैं, पहले कोई भी आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। तो मैं लगाती हूँ कोई भी हो, मैं सब लगाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर दैट ये VLCC का ब्राइटनिंग सीरम है, जो कि आप देख सकते हैं। ये किसी की प्रमोशन नहीं हो रही है, ये जेन्युइन वीडियो है, क्योंकि मुझे बोला गया था कि मेकअप वीडियो बनानी है। तो ये VLCC का नेचुरल ब्राइटनिंग सीरम जो लगा सकते हैं आप। और देन मेरे पास है, अच्छा मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताती हूँ कि मैं मोस्टली क्या यूज़ करती हूँ, जो मुझे जैसे छोटे मोटे फंक्शंस में जाना होता है, कहीं भी जाना होता है, जो मुझे खुद से तैयार होना लगता है। तो अभी ये ख़त्म हो गया है, तो मैं यूज़ करती हूँ ग्लैमअप, कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, उसके ऊपर मैं ग्लैमअप लगाती हूँ। और कभी कभार मैं कम्पैक्ट पाउडर भी लगा देती हूँ। और ईरा बहुत ध्यान से पीछे से सुन रही है कि मुझे क्या क्या बोल रही है, क्योंकि इसको भी मेकअप का बहुत शौक है। तो कभी हम ईरा का मेकअप करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे, है ना बेटू? हाँ गुड। हाँ, इसको बोला है ना पीछे से, नहीं बोलना तो गर्दन हिला रही है, ठीक है। तो मैं ग्लैमअप यूज़ करती हूँ, और ये इसका मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था पहले। और ये मेरी शादी की मतलब जो ये इन लॉज की तरफ से जो किट बनी थी उसमें डाला था। तो फिर मैंने जब इसको लगाया तो मुझे लगा कि फाउंडेशन बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, जो थोड़ा फेयर जिनका है फेस तो वो ग्लैमअप यूज़ उनका ग्लैमअप से भी चल जाएगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, अब मेरे पास फाउंडेशन जो है, एक ये फिट मी की, एक है ये लव मी की, और एक ये है बीबी ब्लेमिश, ठीक है। बीबी क्रीम पता है आपको, इसकी फाउंडेशन है, और मैं यही यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरी स्किन टोन के एग्जैक्ट है। तो जब भी मतलब कभी कभार मेकअप करती हूँ जो वीडियोस बनाने के लिए, क्या नहीं मेकअप नहीं करना, कराना है, करके दिखाना है इनको मेकअप के। ओके ओके, बाद में करते हैं, ठीक है। इधर बोल रहे हैं मेकअप नहीं करना, इधर मेकअप नहीं करना, करेंगे बाद में करते हैं, ठीक है। दिखाते हैं मेकअप करके भी, दिखाते हैं कैसे करना है। ओके फाइन, उसको ये है कि मेकअप करके भी दिखाओ, ठीक है। ये हो गए मेरी तीन फाउंडेशंस। उसके बाद आपको पता है ये मैबलिन है, बेटू दिखा रही हूँ, वेट, हैव सम पेशेंस। तो ये है, ठीक है, ये खोल के दिखा रही हूँ, ईरा की डिमांड है। ब्लेंडर उधर ही रह गया, मेरा लाया नहीं मैंने ब्लेंडर। तो कोई बात नहीं, जब करना होगा मेकअप फिर दिखाएंगे इनको ब्लेंडर के साथ। तो ये फिट मी का कम्पैक्ट पाउडर है। उसके बाद आपको जो पता ही होगा कि जो पैलेट यूज़ करते हैं, ये आपके जो डार्क स्पॉट होते हैं इनको हाइड करने के लिए, या डार्क कुछ भी जो होता है पिंपल्स हाइड करने के लिए, वो ये है। और ये हिल जाता है अपनी जगह से, तो भी और ये एक और है पैलेट, वो स्विस ब्यूटी का है, कंसीलर पैलेट बोलते हैं इसको, सॉरी मुझे नहीं पता था गाइस। तो ये कंसीलर पैलेट है, आपको पता ही है कि जो आपके स्पॉट्स होते हैं उनको हाइड करने के लिए होता है, उनको ही करते हैं ना। अच्छा ठीक है, ये यहाँ ओके। तो जो आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं, या जैसे मेरे यहाँ से डार्क स्किन है थोड़ा, ये तो डार्क स्पॉट्स तो हैं ही, या पिंपल वगैरह, उनको हाइड करने के लिए होता है, इतना तो मुझे पता है, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज होगा मेकअप का, बट फिर भी मेरा फर्ज है बताना, हो तो मैं बता रही हूँ। उसके बाद ये है हुडा ब्यूटी की आई शेड्स पैलेट, जो कि बहुत अच्छा कलर थे और अच्छे होते हैं, और जो दिखा रही हूँ बेटू दिखा रही बात नहीं, ठीक है। एक ये है, और एक ये स्विस ब्यूटी का भी है, और उसके बाद हाइलाइटर्स हैं, और ये दोनों स्विस ब्यूटी के हैं, ये भी स्विस बेटू प्लीज़ ओके, ये भी स्विस ब्यूटी का है और ये भी स्विस ब्यूटी का है। तो डिफरेंस ये है कि ये गोल्डन है, और
क्योंकि मेरा टूट गया, लेकिन फिर भी देखो इसमें अलग अलग 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 शेड्स थी, और ये मैंने नायका से ही लिए थे। अभी प्लीज़ लिंक मत मांगना, क्योंकि जब मैंने लिए थे तब मेरा कोई ये यूट्यूब का या मुझे दिखाना है किसी को ऐसा कुछ नहीं था। तो ये मेरा पहले का है, बहुत पहले का है, अभी रिसेंटली मेरा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, आई शेड्स भी हो गई और हाइलाइटर भी हो गया, और ये भी हाइलाइटर ही है, और इसको आप आई शेड्स में भी यूज़ कर सकते हो और हाइलाइट्स में भी यूज़ कर सकते हो। नाइस, ओके ओके ठीक है, परमिशन भी मिल बहुत है, बाय गॉड। उसके बाद ये है मैबलिन का, ये भी फिटमी का ही है, कंसीलर होता है ना ये वाला होता है जो, ये वही। सो हे गाइस, मैंने आपको दिखाया ही नहीं, मैं मस्कारा भी ब्लू हेवन का यूज़ करती हूँ। छोटा वाला मिरर पर होगा ड्रॉअर में, उसको लेके आना, मेरे ना टंग स्लिप हो रहा है। तो ये ब्लू हेवन का मस्कारा है, ब्लू हेवन का ही आईलाइनर लगाती हूँ, और मेरी खासियत यह है कि मैं और कोई आईलाइनर नहीं लगा सकती हूँ गाइस, मुझे ब्लू हेवन का ही चाहिए, उसी में मेरा हाथ चलता है और मेरे किसी आईलाइनर में हाथ नहीं चलता है। और जो ये आईब्रो पेंसिल होती है ना, वो मेरे पास ये है, फैशन कलर की है, बट इसी का मैं काजल भी लगाती हूँ, क्योंकि बाकी कोई भी मैं काजल लगाती हूँ वो मेरा फैल जाता है, और मैं कभी भी अपनी आईब्रो हाईलाइट नहीं करती हूँ, कभी मैं नहीं करती, क्योंकि मेरी ये है ही डार्क, तो मुझे नीड नहीं होती और मैं करती नहीं, अगर मैं करती हूँ तो वो अच्छी नहीं लगती। तो गाइस ईरा की, सो हे गाइस, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। और रुको, मैं आपको अभी ईरा से भी मिलाती हूँ, कम फास्ट, मुझे वीडियो एंड करना है। हाँ, इसको मेकअप करने का बहुत